श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वास्तु संबंधित कुछ ऐसा उपाय जिससे आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो उससे आप उसके दोष का निवारण कर सकते हो। पर आज की जो एपिसोड है वो खास पूर्व दिशा पर आधारित है। वास्तु के अंदर पूर्व दिशा को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्यों पूर्व दिशा में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं चलता, जैसे शौचालय नहीं चलता, फिर आपको वहाँ पे कोई शौचालय हो गया या वहाँ पे कोई भी प्रकार की सीढ़ी हो गई या पूर्व दिशा आपकी कटी है, बड़ी है या एंटी एक्टिविटी है, क्यों पूर्व दिशा को इतना इम्पोर्टेंस कहा जाता है। हमारे जो प्रत्यक्ष देखने वाले देवता है, दिखाई देने वाले देवता है, उसमें से एक सूर्य नारायण भगवान है। अगर सूर्य नारायण पूर्व दिशा के कारक है, पूर्व दिशा के अंदर सूर्य नारायण उदय होते हैं, पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो वो हमारे घर के अंदर इफेक्ट करता है। अब पूर्व दिशा के अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, उसका आपको छोटा संदर्भ में हम समझाएंगे, बाद में फिर हम उसका एक उपाय बताएंगे। अंत तक वीडियो देखना, खास उन लोगों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंस है जिसके घर के अंदर पैसा नहीं टिक रहा, छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे, घर में कलेश रह रहे, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे और कोई भी प्रकार की प्रमोशन नहीं मिल रही, उनके घर के अंदर शुभ अवसर नहीं आ रहे, शादी ब्याह में अड़चन आ रही है या घर में कलेश रह रहा है, यानी कुल मिला के ऐसा कहेंगे जीवन के अंदर दुख 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 है। तो यहाँ पे ये पूरा आपको इसलिए बताया जाता है कि कुछ ना कुछ शास्त्र के अंदर ऐसे ऐसे यंत्र मंत्र है, अगर उसकी आप प्रत्यक्ष पूजा अर्चना की करोगे तो 100% आपको बेनिफिट होगा। और यहाँ पे ऐसी धातु है, उस धातु से अगर उस पूजा अर्चना करेंगे तो वो धातु का जो कहते हैं ना उसकी सकारात्मक ऊर्जा, वो आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे आज के इस एपिसोड से। फ्रेंड्स, ये हमारे एक वास्तु का शक्ति चक्र है, इसके अंदर चार डायरेक्शन मुख्य है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो यहाँ पे हम बताएंगे, ईस्ट में आप देखोगे तो ई एन ई, ईस्ट ई एस ई, ये एयर एलिमेंट है, यानी वायु, ये एयर एलिमेंट काश तत्व है। यहाँ पे आप पेड़ पौधे रख सकते हो, यहाँ पे हल्की चीज रख सकते हो और यहाँ पे आप ग्रीन मैक्सिमम कलर कर सकते हो और थोड़ा ब्लू कलर कर सकते हो। अगर यहाँ पे कलर डिफरेंस होगा तो 100% नेगेटिविटी आएगी। यहाँ पे आप स्टील का फर्नीचर रख सकते हो, कॉपर संबंधित फर्नीचर रख सकते हो, एल्यूमिनियम संबंधित फर्नीचर रख सकते हो। तो यहाँ पे एंटी एक्टिविटी, एंटी मेटल्स इस तरह से डिफाइन होता है। यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, तो ई एन ई आपके घर के अंदर फन का जोन है, तो यहाँ बच्चों के खेल कूद के लिए यहाँ पे कमरा बना सकते हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए कमरा बना सकते हो, यहाँ पे आप भगवान की फ़ोटो रख सकते हो, लाइब्रेरी रख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ मनोरंजकदायक चीज़ें रख सकते हो। और ये सोशल एसोसिएशन यानी लोगों के साथ कनेक्ट होना, घर के अंदर यहाँ पे आपके मुख्य शन मुख्य अतिथि गृह यानी आपका ड्राइंग रूम होना चाहिए, या फिर आपके जो पितृ है, मीन्स आपके जो वडील है, जो अभी आपके पूर्व कहते हैं हयात, जो आपके पेरेंट्स है, वो यहाँ पे सो सकते हैं, क्योंकि ईस्ट दिशा में यहाँ पे एजेड व्यक्ति अगर सोएंगे तो उसके जीवन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। इसी तरह ई एसी जोन के अंदर आपको एक ऐसी तस्वीर लगानी है जिस तस्वीर के अंदर कन्हैया और यशोदा माता की संयुक्त फोटो हो और वो कन्हैया वहाँ पे खड़े हो, छोटे बाल स्वरूप के हो और यशोदा माता वहाँ पे माखन कहते हैं मक्खन को वलवते हो, यानी मक्खन वाला चित्र लगाना है और मटके में से मक्खन बाहर आना चाहिए। यानी कहने का भावार्थ है कि यहाँ पे वो प्रतिमा लगाएंगे तो आपके जो विचार में चर्निंग चल रही है, जो आपके जीवन के अंदर एंजाइटी है कि ये मुझसे होगा नहीं, ये मेरा काम नहीं होगा, आपको घबराहट सी हो रही है, आत्मविश्वास की प्रॉब्लम्स आ रही है, कॉन्फिडेंस लेवल में प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ आप कर नहीं पा रहे, तो ये दिशा के अंदर वो चित्र आप लगा देंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अब रही बात पूर्व दिशा के वास्तु दोष की, तो यहाँ पे यानी ये तीन जोन के अंदर हमें सबसे पहले तो ये तीन जोन को किचन से संबंधित किया जाता है कि पूर्व दिशा में किचन होना चाहिए, पर नहीं, किचन हमेशा अग्नि कोण में ही होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक तो आप पेड़ पौधे लगा दो, ओके, शौचालय कदापि नहीं, शौचालय यहाँ पे कदापि मत बनाना। यहाँ पे आप स्नान गृह बना सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं, पर कहाँ कहाँ, ईस्ट में ई एन ई में अंडरग्राउंड भूमिगत पानी की टंकी, पर यहाँ पे अगर आपने पृथ्वी पे बनी हुई पानी यानी ओवरहेड टैंक बना दिया
तो आपके वहाँ पे वास्तु दोष क्रिएट होगा। यानी पूर्व दिशा के अंदर अगर आपने वजन रख दिया किसी भी फॉर्म में, चाहे वहाँ पे अपने सीढ़ियाँ रख दी, स्टोर रूम बना दिया, वहाँ पे आपने बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर लगा दिया, वहाँ पे आपने कहते ना आपने कबाड़ रख दिया, तो आपकी पूर्व दिशा डिस्टर्ब हो गई। पूर्व दिशा डिस्टर्ब होगी तो लोगों के साथ मेल जोल आपके खत्म हो जाएंगे, आपके जीवन में अकेलापन आ जाएगा। सूरज सूर्य नारायण की जो एक्टिविटी आपके घर के अंदर जो रोशनी आनी चाहिए वो रोशनी कहीं यहाँ डिस्टर्ब होगी, आपके घर तक नहीं आएगी, ब्रह्मस्थान तक नहीं आएगी, और ब्रह्मस्थान पे नहीं आएगी तो सब जगह नेगेटिविटी ऑटोमेटिक क्रिएट होगी। तो यहाँ पे पूर्व दिशा के अंदर आप जो भी चीज़ रखो पॉजिटिव चीज़ रखो, आपके गुरु भगवान की फ़ोटो रखो, आपके माता पिता की फ़ोटो रखो, आप यहाँ पे घड़ी रखो, कैलेंडर रखो, पर यहाँ पे टॉयलेट नहीं, ओवरहेड टैंक नहीं, सीढ़ियाँ नहीं, स्टोर रूम नहीं, ये जो दो डायरेक्शन के अंदर। अगर आपको शौचालय बनाने आ रही आती है, यानी कोई चांस ऐसा आ रहा है कि शौचालय रखनी है, तो ये जोन में ई ऐसी जोन में आप नहीं चाह के शौचालय रख सकते हैं। शौचालय के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? SSW एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल, यहाँ पे आप एक्टिविटी करवा सकते हो शौचालय की। और दूसरी है WNW इस जोन के अंदर, वहाँ भी यहाँ भी, और थर्ड बेस्ट यहाँ भी। तो ये बहुत लंबी वीडियो बन सकती है पर मैं यहाँ पे शॉर्ट कह देता हूँ। अगर आपके जीवन के अंदर कोई काम नहीं बन रहे, घर के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी दुकान में कहते ना बिक्री नहीं हो रही, लोग आपको जान नहीं रहे, आपके घर में शादी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके घर में संतान की पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके घर के आनंद उल्लास के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, आप टेंशन भरी जिंदगी जी रहे हो, अकेलापन जीवन में आ रहा है, पैसा होने के बावजूद भी आपको चैन की नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे, कोई भी प्रकार की समस्या, धन नहीं आ रहा, तो फ्रेंड्स छोटा सा उपाय बता देता हूँ। आप पूर्व दिशा के वॉल पे ये एक प्रतिमा लगा दीजिए जो शुद्ध कॉपर से बनी हो, सूर्य नारायण भगवान की प्रतिमा। ये प्रतिमा रविवार के दिन लगानी है, किस तरह से लगानी है, इसको गंगा जल से शुद्ध करके, इस पे केसर का तिलक करके आपको पूर्व दिशा की दीवार पे लगानी है, नहीं कि ये पश्चिम दिशा पे, नहीं उत्तर दिशा में, नहीं दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ किस तरह से लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक आपका समझिए एक वास्तु है, ये वास्तु की चार डायरेक्शन की चार बाउंड्री है, मींस घर का दे, ये नॉर्थ हो गया और यहाँ पे आपका ईस्ट हो गया, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो गया और यहाँ पे साउथ ईस्ट हो गया। तो आपको एग्जैक्टली इस पार्ट का सेंटर निकाल के इस जो नॉर्थ वाला ईस्ट वाला पोर्शन है वहाँ पे इस दीवार पे सूरज की प्रतिमा, सूर्य नारायण की, ये जो मैं आपको प्रतिमा दिखा रहा हूं, ये प्रतिमा यहां लगानी है, दिस वन, ये देख लीजिए, ये कॉपर से बनी है। सुबह सुबह 7 बजे आप स्नान कर लीजिए, मीन स्नान जितने मर्जी करना हो, सुबह का शुभ समय ले लीजिए, अच्छा चौघड़िया देख लीजिए, गंगा जल से शुद्ध कीजिए, तिलक करिए और सूर्य नारायण का बीज मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप कीजिए, 9 की संख्या में जाप कीजिए, एक माला कीजिए, फिर वहाँ पे एक कॉपर की खिली लगा दीजिए, पूर्व दिशा में एक कील लगा दीजिए और इनकी स्थापना कर दीजिए। देखिए कुछ ही दिनों के अंदर आपके पूर्व अग्नि ईशान संबंधित, यानी ये पूरे जोन, ये जो पूरा जोन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये ईशान से लेके अग्नि तक का, इतनी सारे प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व हो जाएगी, क्लियरिटी ऑफ माइंड आ जाएगा, रिक्रिएशन फन आ जाएगा, सोशल एसोसिएशन आ जाएगा, आपकी एंजाइटी दूर हो जाएगी और आपकी कैश लिक्विडिटी में जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यहाँ श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है, छोटा सा उपाय है कर लीजिए, आपको इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।